नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बात हो रही है देश की वीआईपी सीटों की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में चार चरणों में चुनाव होंगे। राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा। यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ से उनके बेटे नकुलनाथ मौजूदा सांसद हैं। नकुलनाथ ने साल 2019 में यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। तो पहले छिंदवाड़ा पर एक नजर डाल लेते हैं कि इस शहर का सियासी मिजाज क्या है। छिंदवाड़ा शहर का नाम छिंद यानी खजूर के पेड़ के नाम पर हुआ। छिंदवाड़ा कुलबेहरा की धारा बोदरी के तट पर स्थित है। ये शहर सतपुड़ा के खुले पठार पर है। आम के बागों से घिरे छिंदवाड़ा के लिए वैनगंगा, पेंच और कन्हान नदियाँ जीवनदायिनी हैं। यह मिट्टी से बना हुआ एक दुर्ग है जहाँ 1857 के विद्रोह से पहले सेना का शिविर हुआ करता था। यहाँ के सिमरिया में भगवान हनुमान जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। पातालेश्वर छिंदवाड़ा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, तो वहीं पर्यटन के लिए पातालकोट बहुत मशहूर है। तो पेंच टाइगर रिजर्व भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। छिंदवाड़ा में रेमंड ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मसाला ग्रुप जैसी औद्योगिक इकाइयां हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा से सटे इलाकों में कोयले की खदानें हैं, जो नारदेव और परासिया में कोयले की खदानें हैं। और अब बात कर लेते हैं सियासत की। कमलनाथ का अभेद्य दुर्ग है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया। पिछले 72 साल से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 1971 से 2019 तक हुए 14 आम चुनावों में कांग्रेस का राज रहा है। 1980 से 2019 तक कमलनाथ परिवार का ही सीट पर एक छत्र कब्जा रहा। 1980 से 1991 तक कमलनाथ इस सीट से सांसद रहे। 1996 में उनकी पत्नी अलका छिंदवाड़ा से सांसद बनी। 1998 से 2014 तक कमलनाथ फिर से सांसद बने। इसके बाद 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और फिर सांसद बने। बीजेपी ने इस बार नकुलनाथ के खिलाफ विवेक बंटी साहू को उतारा है। 2019 में विधानसभा के उपचुनाव में बंटी साहू कमलनाथ से 25,000 वोटों से हार चुके हैं। वैसे बीजेपी छिंदवाड़ा में बस एक बार ही 1997 के उपचुनाव में जीत सकी थी। उस समय बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद कभी भी छिंदवाड़ा ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। खास बात यह है कि जब 1977 में देश के इमरजेंसी के चलते कांग्रेस के खिलाफ लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, तब भी छिंदवाड़ा ने कांग्रेस को ही जिताने का काम किया था। छिंदवाड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जो नारदेव, चौरई, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, पांडुरना, परासिया और सौंसा। छिंदवाड़ा में इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के सामने 400 सीटों का टारगेट है। ऐसे में छिंदवाड़ा की जनता क्या फैसला लेगी, ये 4 जून को ही पता चलेगा।